बुजुर्ग अभिभावक नौजवान साथी भाइयों सब लोगों को नमस्कार प्रणाम और आदाब करता हूँ और आप लोग हर्षोल्लास के साथ हम लोग इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन हमारा जो ये जनरेशन है इसको बताने की जरूरत है इस त्योहार का इसके पीछे क्या इतिहास है। देखिए यह त्योहार आज के दिन ये हिंदू और मुस्लिम दोनों में आपको मैं बड़ी अंदर की बात बताता हूँ कि ये चार मास जो पूर्व में ये दो मास हैं ये हिंदू के लिए भी बड़ा पवित्र माना गया है और मुसलमान के लिए यह दो मास जो रमजान का मास है यह बहुत ही पवित्र मास माना गया है और ये नौवीं और दसवीं में लोग रोजा रखते हैं। इसमें किसी तरह के दुर्गुण का प्रवेश नहीं होने दी थी कोई दुर्गुण का प्रवेश नहीं होने दीजिए कोई नशा का प्रयोग नहीं कीजिए। ये जानते हैं ये धर्म ये जो त्योहार है ये दसवीं के दिन धर्म से अधर्म की विजय हो गई। हमारे जो मोहम्मद साहब के जो दो नाती थे ये दोनों नाती यही है ना दोनों नाती सत्य के मार्ग पर चल रहे थे लेकिन आज ही के दिन उनकी वाइस राय के शहादत हो गई और इस शहादत के दिन हम गाना तो गाते हैं लेकिन हम गम के गाना गाते हैं आंसू के गाना गाते हैं और इस आंसुओं के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। हम चाहते हैं कि आप नौजवानों में इतनी ऊर्जा भरे आप नौजवानों में इतनी ऊर्जा हो कि आप धर्म के अर्थ को समझें। जब हम तमाम लोग धर्म के अर्थ को समझेंगे तो कभी एक दूसरे धर्म से कभी कटुता हो ही नहीं। धर्म उसी का नाम है जो मानव को जोड़ने का काम करता है जो धारण करने का विषय है उसको हम धर्म कहते हैं। धर्म कभी कटुता नहीं पैदा करता है जहां से कटुता हो जाती है मानो वो धर्म नहीं है वो पाखंड।